यहाँ पे जिला अस्पताल में जो एक ढाबा थे और दूसरा जो जख्मी था उनकी बयान देने की हालत नहीं है। पुलिस कह रहे हैं कि क्योंकि उनको वेंटिलेटर पे मुंतकिल किया गया है और इनकी हालत इंतहाई सीरियस है, तो उनसे अभी तक बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए। दीगर जो निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था उनमें इसके जख्मियों की नौयत देखते हुए पुलिस का कहना है कि उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि इस वाकये में मौलाना तकी उस्मानी मुकम्मल तौर पर सेफ है। तो इब्तदाई तौर पर पहले पुलिस उनसे ही मालूमात इकट्ठी कर रही है, वाकये के बारे में तफसीलात हासिल कर रही है। इब्तदाई तौर पर पुलिस जराये से जो ये बात को कन्फर्म हुआ है कि मौलाना साहब ने जो पुलिस को बताया उसमें यही कहा है कि फायरिंग की आवाजें आई थी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी भगाई। वो हमला आवरों को नहीं देख सके कि उन्होंने क्या पहन रखा था, किस किस्म का हुजिया था। तमाम फायरिंग के बाद ड्राइवर ने गाड़ी भगाई और ये तमाम वाकये उन्होंने अब तक जो पुलिस को बताया है उसमें यही कहा है कि फायरिंग हुई थी, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी भगाई। और मजीद तफसीलात अभी पुलिस का कहना है कि जो जख्मी है उनको देखा जा रहा है कि क्या है वो बयान देने के काबिल है या नहीं।